जय माधव दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अमित कुमार लेके आया हूँ न्यू वीडियो। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप खोल लेना है। काइन मास्टर ऐप खोलने के बाद आपको जो भी फाइल लेना है उसको सिर्फ नॉर्मल चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं एक वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। वैसे ये वीडियो कैसा है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जब हम DSLR परचेज़ करने जा रहे थे तब मैंने शूट किया था, मगर फ़िलहाल मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन मुझे मिला नहीं था, तभी मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो को क्लिक करिएगा, आपको कलर फिल्टर पे टच करना, उसके बाद बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें एक आप चूज़ करेंगे, आपसे देख लीजिएगा क्या एडजस्ट आपको करना है, क्या नहीं करना है, कब कैसे करना है, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप कम या ज़्यादा करके अपने ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं कि हाँ कितना मुझे ब्राइटनेस चाहिए या कितना नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा ब्राइटनेस देने से भी ख़राब हो जाता है और कम देने से भी ख़राब हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, अपने एडजस्ट के हिसाब से ही जो है वीडियो को लेंथ जो है ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करिएगा। दोस्तों, हम दूसरा स्टेप भी जान लेते हैं, वो कैसे होगा। ये फर्स्ट स्टेप था जो आपने देखा है, और ये सेकेंड स्टेप रहेगा जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से ही करना है, बाकी आप देख लीजिएगा। ऑटो करके एक ऑटो HDR आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल कर दिया मैंने कि हाँ आपको लगे। ये देखिए, पहला जो मैंने ब्राइटनेस रखा था उसके बाद ऑटो HDR भी मैं दिखाऊँगा। तो आपको नॉर्मली क्लिक करना है लेयर पर। देखिए, मैं बकवास कुछ नहीं कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि मेरे मोहल्ले में दो शादी चल रही है, इस वजह से मैं बाहर जाके शूट किया था। तो आप देखिए, मैं आपको पहला वाला जो है दिखा दिया है कि उसमें क्या है, स्किन वगैरह किस तरह इम्प्रूवमेंट होती है। तो अब दूसरा स्टेप में जो है चलते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा स्टेप करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है और इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑटो HDR मिल जाएगा, इसको ओपन करके जितना भी आपको लगाना हो तो आप लगा लीजिएगा। और मेरी रिकमेंड मानिएगा तो पूरा फुल वीडियो पे ही लगाइएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो कवर कर लेता है। और देखिए, उसमें और इसमें कितना अंतर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है देख के। और बिना DSLR के हम लोग जो है एक अच्छा खासा DSLR जैसा वीडियो क्वालिटी निकाल सकते हैं। और ऑडियो के लिए दोस्तों मैंने बताया ही है हर चीज़, ना समझ में आए तो मेरी पिछली 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं दोनों को जो है डिवाइड करके मैं प्ले करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसमें कौन सा इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है या इसमें क्या अच्छा लग रहा है। देखिए, ये पहले जो है नॉर्मल इफ़ेक्ट, ये तो ऑटो HDR है, इसको हटा देते हैं, बगल कर देते हैं। और जो नॉर्मल है, ये देखिए हमारा पहला जो बेसिक्स ट्रांजेक्शन था वो था, और ये जो है हमारा ऑटो HDR है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।